जो मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई ना अफगानिस्तान की इस रन में, इनकी जीत में, सेमीफाइनल पहुंच में, सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई है वो मोहम्मद नबी के लिए हुई है. बिकॉज क्रिकेट में ऐसे फिगर्स, आई थिंक मोहम्मद नबी जैसे अभी सर्टनली कोई नहीं है. ही इज अ टोटल लाइक जायंट एंड अ यूनिक फिगर. एक जिमी एंडरसन इज रिटायरिंग दिस समर एंड ही हैड लाइक दिस मैग्निफिसेंट करियर. 20 साल उसने खेले हैं एज अ फास्ट बॉलर. In you know he's seen England through being weird and dysfunctional to being like a fairly professional and very smooth and proper working side and now like baseball side and all. वो एक जगह है उसकी करियर, ठीक है, it's monumental. लेकिन अगर आप इस तरफ मोहम्मद नबी को रखें ना तो different level. मोहम्मद नबी ने 20 साल एज एन अफगानिस्तान प्रोफेशनल क्रिकेटर निकाले हैं. लाइक इमेजिन जस्ट हाउ डिफिकल्ट दैट इज. आपके पास कोई होम ग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, आप बेसिकली रिलायंट हो अपनी ओन काइंड ऑफ मोटिवेशन पे कि किस तरह से आप सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, एंड थोड़ी बहुत जो जेनरोसिटी है दूसरे मुल्कों की. पाकिस्तान ने शुरू में मदद करी. मोहम्मद अमी ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है. कब से खेल रहा है उसने? एबीएन एमरो ट्रॉफी खेली है, T20 एबीएन एमरो ट्रॉफी खेली है उसने. कायदे आजम ग्रेड 2 खेली है उसने. डोमेस्टिक क्रिकेट और कहाँ कहाँ नहीं खेली है, इंग्लैंड में खेली है, आई थिंक उसने एक और मुल्क में खेली है डोमेस्टिक क्रिकेट, विच आई वॉज रियली शॉक्ड बाय. आई कांट रिमेंबर नाउ, बट यू नो ही हैड 3 होम्स. यूएई हैज बीन अ होम फॉर अफगानिस्तान इन हिज होम इन हिज टाइम. पाकिस्तान हैज बीन अ होम एंड इंडिया हैज बीन अ होम. वे लाइक रिमार्केबल. उसका अपना जो घर है, एक्चुअल जो घर है अफगानिस्तान, वो वहां उसने कभी नहीं खेला इंटरनेशनल मैच. लेकिन उसके 3 मुल्क हो चुके हैं वो बहुत ही बेसिक फंडिंग पे. अभी तो अफगानिस्तान 2017 में फुल मेंबर बना है आईसीसी में, और उसके बाद भी उन्हें जो पैसे मिलते हैं कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द फुल मेंबर्स बहुत कम है. और फिर बीच में पैसे रुक भी गए थे व्हेन द तालिबान टुक ओवर. उस सब एनवायरमेंट में उसने जो अपनी करियर बनाई है, इट इज एब्सोल्युटली लाइक ए जायंट फिगर. आप अगर सोचो, हम लोग कहते हैं कि लोग, पीपल वॉच हिस्ट्री, पीपल लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. ही हैज बिन लाइक एक्टिवली क्रिएटिंग हिस्ट्री, लाइक इन वॉट हीज डन, ही हैज बिन पार्ट ऑफ दैट राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिस कंट्रीज जर्नी टू टू वेयर दे आर नाउ. मोहम्मद नबी हैज बिन देयर एवरी स्टेप ऑफ द वे एंड लाइक एब्सोल्यूट फिनोमिनल जायंट. ही इज शू इन फॉर द हॉल ऑफ फेम, लाइक एब्सोल्यूट शू इन फॉर एनी हॉल ऑफ फेम एनी वेयर एज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल मॉडर्न स्पोर्टिंग करियर्स. कहा यार, 2003 में जब इसने क्रिकेट शुरू करी थी प्रोफेशनली खेलना, उससे पहले सोचो 9/11 हुआ था अफगानिस्तान पे, उसके बाद क्या हुआ था हम सबको मालूम है. वी वर नेक्स्ट डोर, वी नो व्हाट हैपेंड टू अफगानिस्तान आफ्टर 9/11. इसने उस वक्त, इस बंदे ने अपनी करियर शुरू करी है और उस दिन से लेके इस दिन तक वो खेल रहा है ना. उसकी स्टैंडर्ड्स में कोई ड्रॉप आई है कि कभी वो ड्रॉप हो? अब उसका बेटा खेल रहा है प्रोफेशनल क्रिकेट. अभी भी वो लगता है, मोहम्मद नबी मुझसे और तुमसे ज्यादा जवान लगता है वो बंदा. अभी भी खेल रहा है. लाइक ही इज एन एब्सोल्यूट, लाइक He's got to be, किसी भी कॉन्वर्सेशन में ना, एंड आई डोंट केयर कोई बोले कि टेस्ट नहीं खेले, इसने कम खेले हैं या इनके खिलाफ खेले, उनके खिलाफ खेला है. Top 10 greatest cricketers of all time में अगर मोहम्मद नबी का नाम ना हो ना, तो मैं तो प्रोटेस्ट पे चला जाऊँ, मैं धरना कर दूंगा इस्लामाबाद पे कि अगर इसका नाम Top 10 में नहीं आता है ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम. एब्सोल्युटली फिनोमिनल. और जब हमने ये बात शुरू की थी कि मतलब 2024 की T20 क्रिकेट में जहां कोई भी राइट आर्म बैटर्स के खिलाफ ऑफ स्पिन नहीं कराता है, वहां ये बंदा विराट और रोहित के खिलाफ पावर प्ले में ऑफ स्पिन करा रहा है. एंड ओवर इट्स हाँ एंड इट स्पीक्स टू द फैक्ट कि अभी भी ही इज अ वेरी वैल्यूएबल फ्रेंचाइज T20 प्लेयर. उसने बहुत ज्यादा कामयाबी देखी है. ऐसा नहीं है कि जी वो जो है टोकन खिलाड़ी वो खिलाड़ी नहीं, नहीं, नॉट ही एट इज ऑल. बीन इंटीग्रल साइड ऑफ टाइटल विनिंग फ्रेंचाइजेस अक्रॉस द वर्ल्ड टू दिस डे. ही इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लेयर. और जो मुझे सबसे जो अमेजिंग बात लगती है, हम लोग यहाँ पे इतनी गुफ्तगू करते हैं कि जी आपकी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है पीसीबी के अंदर, या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये है वो है, एंड आई एग्री, लाइक आई एम द वंस मेकिंग दोज पॉइंट्स. मगर आप कंपेयर करें व्हाट नबी हैज हैड टू गो थ्रू, जहाँ पे मतलब आपके मुल्क ही स्टेबल नहीं है, इतना वायलेंस, इतना ज्यादा वायलेंस चल रहा है, आप कॉन्स्टेंटली यूर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर इज हॉस्टिलिटी एट द बोर्ड लेवल, विद इन द बोर्ड, विद अदर बोर्ड्स, विद अदर टीम्स, और उस सब में उसने खुद भी वेंट फ्रॉम बीइंग कैप्टन, ट्रांजिशन परफेक्टली इनटू बीइंग अ सीनियर प्लेयर. जो सारे
ना ही सिर्फ पाकिस्तान, साउथ एशियन क्रिकेट के जितने पिटफॉल्स होते हैं विद एक्स प्लेयर्स, विद एक्स कैप्टन सॉरी, विद लाइक सीनियर प्लेयर्स इन द ड्रेसिंग रूम वगैरह, नबी हैज बीन इनक्रेडिबल. क्योंकि उसने जब अपना करियर शुरू किया था, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उस वक्त अफगान खिलाड़ी तकरीबन सारे वो थे जो पाकिस्तान में पले बड़े थे, उन्होंने क्रिकेट वहां खेली थी. एंड नाउ द न्यू जनरेशन इज गाइस हु ग्रू अप इन अफगानिस्तान, एंड नबी इज वन ऑफ दोज लिंक्स फ्रॉम दैट होल हिस्ट्री ऑफ अफगान क्रिकेट. ही इज देयर नॉट अगेन नॉट कि सीनियर है तो खिलाए जा रहे, ही इज अ जेन्युइनली वैल्यूएबल क्रिकेटर. Even at this day and age, when his own son is now starting to play cricket, what's a LeBron level longevity and reach? वही मैं कह रहा हूँ. He's, you know, he should be regarded in that level of like achievement, especially for the odds that were stacked against him throughout and still are continue to be stacked against him. You know, अभी तक अफगानिस्तान को इतने कम पैसे मिलते हैं, ये सब बाहर रहते हैं, UAE में रहते हैं आधे players इनके. इसने अपनी career बनाई है. इसका मोहम्मद नबी का एक जमाने में वालिद किडनैप हो गया था बाय द तालिबान. लाइक इमेजिन हैविंग टू लिव थ्रू दैट ऑर्डियल, यू नो. तो ये इसकी लाइफ स्टोरी है. और इसने अभी भी पिछले दिन रोहित शर्मा और विराट कोहली के खिलाफ पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए, एक भी बाउंड्री नहीं कंसीड करी. लाइक ये इस बंदे का लेवल है, यू नो. सो दैट वे लाइक मोहम्मद नबी, व्हाटएवर हैपेंस, अफगानिस्तान जीते ना जीते, आगे जाके यू नो जीते, मोहम्मद नबी और खेलता रहे. द गाय एब्सोल्यूट सैल्यूट, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट, but also one who has earned like my utmost respect for the career that he's built for himself.